और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों की ओर। एयर इंडिया के सर्वर में हुई परेशानी अब ठीक हो गई है। एयर इंडिया के सीएमडी अश्विनी रोहान ने ये जानकारी दी कि आपको बता दें कि एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने की वजह से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स प्रभावित हुई थी और इसके चलते भारत और दुनिया भर में हजारों यात्री हवाई अड्डों में परेशानी का सामना कर रहे थे। हालांकि अब सर्वर ठीक हो गया है और यात्रियों का चेक इन भी शुरू हो गया है। एयर इंडिया के सीएमडी अश्विनी लोहानी ने कहा कि एयर इंडिया की यात्री सेवा प्रणाली जिसे सीटा द्वारा चलाया जाता है रखरखाव के लिए आज करीब 3:30 बजे से 4:30 बजे तक रखा गया था, लेकिन ये सुबह 8:45 तक डाउन रही जिसे अब ठीक कर दिया गया है। वहीं 85 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है और यात्रियों के लिए होटल में रहने की व्यवस्था भी कर दी गई है। पे सिस्टम ठीक हुआ और करीब 10 बजे तक 85 फ्लाइट्स डिले हुई हैं और इस बीच पूरे जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो सब लगे रहे इसमें टेक्निकल ग्लिच ढूंढने के लिए। सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम है तो सॉफ्टवेयर में कई कई प्रॉब्लम्स आती हैं। सीता की टीम अटलांटा में लगी रही इसमें करने में और इस बीच जितने भी एयर इंडिया के जितने ऑफिशियल्स थे, एयरपोर्ट मैनेजर्स, स्टेशन मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, ईडीज, दे ऑल रश्ड टू द एयरपोर्ट्स। सब लोग एयरपोर्ट पहुँचे, हम लोग कंट्रोल रूम पहुँचे जिससे कि बहुत फास्ट रिएक्शन हो सके।